हेलो दोस्तों, मैं नीरज कौशल, सिविल इंजीनियर। आज आपको हम साइट पे प्रैक्टिकली दिखाते हैं जो आप घर बनाते समय स्टेप्स लेते हैं, एक्चुअली वो किस साइज़ के होने चाहिए, आपका प्रॉपर स्टेप की जो हाइट है, जो राइजर है उसका कितना होना चाहिए, जिससे हमारा जो स्टेयर्स है बड़ी ही रिलायबल और रिलैक्सेबल हमारे लिए हो। तो आज हम आपको साइट पर भी प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आपकी 7 इंची कैसे दिखेगी, कुछ स्टेप्स अगर हम मौके पे चढ़ाया जाए जीना हमारा, तो देखेंगे वो भी। तो आपको बता दूं कि 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, 9 इंची मोस्ट ऑफ जीना हमारा चढ़ाया जाता है स्टेयर्स। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया जो आपका स्टेयर्स है वो है 7 इंची, जो कि आपकी जगह भी एडजस्टेबल लेगा, जगह आपकी कम लेगा। और अगर आप 6 इंची लेते हो तो चढ़ने में वो आपका ज़्यादा रिलैक्सेबल है, लेकिन उसमें आपका एरिया ज़्यादा लेगा वो। तो आप, मैं चाहूँगा 7 इंची अगर आप स्टेयर्स लेते हो तो सबसे बेस्ट है। आपको मौके पर भी चलिए दिखाते हैं। देखिए, ये 7 इंची हमारी स्टेप्स हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कितने कितने इंची अगर आप स्टेप्स लेते हो तो वो स्टेप्स आपकी किस किस हाइट तक जाएंगे। एक प्रॉपर आपको टेबल दिखाते हैं। अगर आप 6 इंची लेते हो तब उसकी हाइट क्या रहेगी, 6.5 इंची लेते हो तब एक एक स्टेप जो आपका बढ़ता जाएगा स्टेप, तो वो कितनी लेंथ पे और कितनी हाइट उसकी बढ़ती जाएगी वो हम आपको बताते हैं पर स्टेप्स पर हाइट। तो चलिए मैं आपको शो करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ आज। देखिए, अगर आप लेते हो 6 इंची की स्टेयर्स की एक स्टेप, तो वो पहली जो स्टेप होगी वो 6 इंची की हाइट, दूसरी आपकी 1 फुट की हाइट, 3 आपकी स्टेयर्स तक 1.5 फुट चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्टेप्स में 12 स्टेप से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो आप देख सकते हैं 12 स्टेप तक आपकी 6 इंची की जो स्टेप होगी वो 6 फुट की हाइट पर उठ जाएगी। जो हाइट होगी वो 6 फुट की हाइट पर आपकी छठी जो नंबर की पैड़ी होगी, 12वें नंबर की जो पैड़ी होगी वो चली जाएगी आपकी। उसके बाद ऐसे ही करते करते आपकी, अगर आप देना चाहते हो 11 फुट, 22वीं पैड़ी आपकी 11 फुट की हाइट पे रहेगी। उसके नीचे आप अगर 11 फुट से अगर आप ऊपर नीचे की तरफ आपका स्लैब आएगा 5 या 6 इंची का, वो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, जो आपका छत का जो लेवल हो जाएगा वो करीबन आपका चला जाएगा 10.5 के आसपास। अगर आपको इससे ज़्यादा हाइट लेनी है हमारी छत की स्लैब की, तो आप स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अगर 25 स्टेप करते हैं तो आपका करीबन 12 फुट गैप बन जाएगा फ्लोर से लेकर और टेरेस तक। तो ऐसे ही देखिए, अगर आप 6.5 इंची लेते हैं तो 12 स्टेप तक आपका कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, और आपका 25 पैड़ी तक चला जाएगा आपका 13 फुट 6.5 इंच। ऐसे ही अगर आप 7 इंची लेते हैं तो 12 फुट में आपको दिखा देता हूँ बीच बीच में से, तो 7 फुट यहाँ पे आ गया हाइट 12वीं स्टेप पे। ये देखो, ये स्टेप्स हैं हमारी, नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर हैं, 12वीं स्टेप्स आपकी 7 फुट पे। और अगर आप 25वीं स्टेप लेते हो जिसमें 12 फुट की क्लियरेंस है फ्लोर से छत की, वो आपकी यहाँ पर 12 फुट की अगर क्लियरेंस लेते, नई नई वीडियोस आपके सामने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आती रहेंगी। कोशिश करेंगे हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब आपको दें। तो अगली वीडियो में हम आपको कुछ और अच्छी चीज़ें, आज स्टेप से रिगार्डिंग थी, नेक्स्ट आपको वीडियो में हम कुछ और चीज़ें दिखाएंगे।